Hello dear children, welcome to grammar class. So children, in the previous class we have started the new chapter, chapter 6, adjectives describing words. हमने ये last class में किया था ना, in which I have told you about the adjectives, the words that describe the noun. कोई भी ऐसे शब्द जो noun के बारे में हमें ज्यादा विगतवार देते हैं उन्हें हम adjectives कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब आपके टेक्स्ट बुक से एक बार वापस से रिविजन कर लेते हैं. यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ वुमन हियर. यहाँ पे दो वुमन की पिक्चर है. इन दिस पिक्चर अ टॉल वुमन यू कैन सी, एक लंबी सी लेडी. ओके, अ शॉर्ट वुमन. अब ये वाले पिक्चर के अंदर ये वुमन कैसी है, शॉर्ट मीन्स छोटी है. नेक्स्ट अगेन, दिस इज अ बिग कार. अ बिग कार, एक बड़ा सा कार. And in the next picture, a small car, एक छोटा सा car. Okay. Now, the word woman and car are naming words. अब इन सारे pictures के अंदर woman और यहाँ पे car, ये दोनों हम क्या कहेंगे, naming words. इन पिक्चरों के नाम है. इसको जब हम देखते थे इनको हम कैसे बुला रहे हैं, woman मतलब ladies. So ये naming word. और इन पिक्चरों को हम क्या कहते हैं, car. सो कार एंड वुमन दोनों नेमिंग वर्ड्स, इनके नाम है. ओके, इन चित्र के नाम है. इस नामों को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं या नाउन भी कहते हैं. नाउ, अब इनके बारे में हमें कुछ ज्यादा विगतवार बताया गया है. द वर्ड टॉल एंड शॉर्ट डिस्क्राइब द वुमन. सो इन दोनों ही सेंटेंसेस में, अ टॉल वुमन अ शॉर्ट वुमन, इन दो सेंटेंसेस के अंदर TALL टॉल एंड SHORT शॉर्ट हमें इन वुमन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं. यह बताते हैं कि ये वाली वुमन एकदम लंबी है और ये वाली वुमन शॉर्ट है, छोटी है. ओके, नाउ द वर्ड बिग एंड स्मॉल डिस्क्राइब्स द कार. अब यहाँ पे जो बिग एंड स्मॉल वर्ड है ये हमें इस कार के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये वाली कार बिग है, बड़ी है, और ये वाली कार छोटी है, स्मॉल. ओके, मीन्स इन नेमिंग वर्ड्स के बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिली है कि एक लेडी लंबी है, एक लेडी छोटी है, और ये वाला कार बड़ा है और दूसरा कार एकदम छोटा है. ओके, सो टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, इन रेड लेटर्स को हम क्या कहेंगे, टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल को डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि ये चारों शब्द हमें इन वुमन और कार के बारे में विगतवार बताते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो वी हैव रिवाइज द कॉन्सेप्ट नाउ. Now let us start doing some of the exercises. आप जैसे जैसे exercises करेंगे आपका concept और भी ज्यादा clear हो जाएगा. Now take out your page number 26 in the textbook. Page number 26. Now exercise 6A. हमारे 6th chapter का पहला exercise 6A. आपको यहाँ पे क्या करना है, Write adjectives for the following nouns. So आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ नेम भी है. सो इन नाउन के बारे में आपको कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं. ओके, लाइक दैट मैंगो. सो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, एक मैंगो का पेड़ है जिसमें बहुत सारे मैंगोस हैं. ओके, और मैंगोस बहुत एकदम येलो कलर के हैं, एकदम पके हुए आम है सारे, है ना. अगर आम कच्चे होते तो ग्रीन कलर होते, बट राइट मैंगो, जो पके हुए मैंगोस होते हैं वो बड़े ही येलो कलर के मीठे मीठे होते हैं. सो अब हमें इसके बारे में कोई भी दो शब्द, कोई भी एडजेक्टिव्स लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, अब हम इन मैंगोस को जैसे कि देख रहे हैं, मैंगोस एकदम पके हुए हैं. सो वी कैन राइट राइप मैंगोस, RIPE, राइप मैंगोस, MANGOES, मैंगोस. हमने मैंगोस के बारे में क्या कहा, पके हुए आम. ओके, सो हम इस पेड़ को भी देखकर कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है. देखिए ऊपर इसको कितना घने से पेड़ है ना, इसकी ब्रांचेस कितने घने हैं, इसका ट्रंक भी कितना मोटा है. सो बिग ट्री. ओके, मैंगो ट्री कैसा है, बिग. सो हम लिख सकते हैं BIG, बिग, TREE, ट्री, बिग ट्री, बड़ा पेड़. ओके, नाउ अगले पिक्चर पर चलते हैं. दिस मैन, सो यह आदमी, दिस मैन, सब इस मैन के बारे में हमें कुछ बताना है. सो हम क्या कह सकते हैं, ये मैन बड़ा हैप्पी लग रहा है, सी हाउ नाइस ही स्माइलिंग, बहुत बड़ी सी स्माइल है ना उसके फेस पर, तो हमें पता लगता है कि आदमी बहुत खुश है. सो वी कैन राइट हैप्पी, HAPPY, हैप्पी. ये मैन बहुत हैप्पी है
और उसने ड्रेस कैसे कलर का पहना है, उसका ड्रेस ब्लैक कलर का है, सो वी कैन राइट दैट ब्लैक सूट, BLACK ब्लैक सूट, SUIT सूट, इसने ब्लैक कलर की सूट पहनी है, ये भी लिख सकते हैं। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये मैन बहुत टॉल है, ओके, टॉल मैन, ऐसा भी कहा जा सकता है। ओके चिल्ड्रन, यू कैन राइट एज मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नाउ अगले पिक्चर थर्ड, दिस बर्ड, नाउ इस पक्षी को देखिए, अब ये बर्ड कैसी है, इट इज कलरफुल, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर है, व्हाइट कलर है, येलो कलर के उसके फीडर्स हैं, सो कलरफुल बर्ड, वी कैन राइट दैट ऑल्सो। सो लेट अस राइट COLOUR, कलर, FUL, फुल, कलरफुल बर्ड्स, BIRDS बर्ड्स, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है, दो है ना, इसलिए हम बर्ड्स कहेंगे, रंग बिरंगी बर्ड्स। और उसकी बीक कितनी शार्प है, आप देख सकते हैं ना, उसकी चोंच बहुत लंबी है और बहुत शार्प भी है, सो लिख सकते हैं हम शार्प बीक, SHARP, शार्प, BEAK, बीक। हमने उसकी बीक के बारे में क्या डिस्क्राइब किया, बहुत शार्प है, ओके, बहुत नुकीली सी है। और हमने बर्ड के बारे में क्या कहा, कि वो बड़ी कलरफुल है, सो कलरफुल और शार्प दोनों ही एडजेक्टिव्स है, ओके। नाउ नंबर फोर, दैट शॉप, अब किसी शॉप को दिखाते हुए कह रहे हैं, यह दुकान, इस शॉप के बारे में कुछ कहिए, सो यू कैन सी मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर हियर, ऑल द फ्रूट्स आर केप्ट, सो फ्रूट्स आर लुकिंग वेरी फ्रेश, सो बड़े ही ताजे ताजे लग रहे हैं, वी कैन राइट फ्रेश, FRESH, फ्रेश फ्रूट्स, सो FRUITS, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स। और यह दुकान कैसी है, छोटी है, छोटी है मगर बहुत सारे वेजिटेबल्स है, स्मॉल शॉप, सो वी कैन राइट हियर स्मॉल, SMALL, स्मॉल, SHOP, शॉप, छोटी सी दुकान, ओके। सो अब इन सारे चीजों में हमने RIPE, मतलब हमने मैंगोस के बारे में कुछ बताया, ट्री के बारे में क्या बताया, बिग, सो राइप एंड बिग एडजेक्टिव्स है। इस मैन के बारे में हमने क्या कहा है, ये मैन हैप्पी है और उसने किस प्रकार की ड्रेस पहनी है, ब्लैक रंग की सूट पहनी है, सो हैप्पी और ब्लैक आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। नाउ कलर बर्ड्स के बारे में हमने क्या कहा, कलरफुल बर्ड, सो कलरफुल इज एडजेक्टिव, और बीक के बारे में क्या कहा, शार्प, सो शार्प इज ऑल्सो एडजेक्टिव। इस प्रकार हम लोग को इन पिक्चर्स को डिस्क्राइब करना है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगेन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एक्सरसाइज 6B, राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड टू द गिवन पिक्चर। अब नीचे दिए गए पिक्चर के बारे में आपको कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं, जैसा कि आप क्या लिख सकते हैं, सूरज के बारे में, उसका कलर, उसकी साइज, उसका शेप, हमने कॉम्पो सीखा था ना सीनियर KG में, सन इज येलो इन कलर, सो यू कैन राइट येलो, इट इज बिग बॉल ऑफ फायर, सो बिग, उसका शेप कैसा है, बहुत बड़ा, बिग, ओके। सो ये कैसा है, हॉट, कैसा होता है सूरज, हॉट, हॉट भी आप लिख सकते हैं, ओके। सो गिव सनलाइट, हमें सूरज क्या देता है, सनलाइट, यू कैन राइट एज मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स अबाउट द सन, लेटर यू कैन चेक फ्रॉम PDF, इसको आप लिखिए, बाद में आप चेक कर सकते हैं अपने PDF से। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, बहुत आसान है, हमने ऑलरेडी कॉम्पो सीखा है सीनियर KG में, सो आप सन के बारे में कुछ शब्द अपने आप से सोचकर लिखिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगेन एक्सरसाइज 6C, ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको क्या करना है, बॉक्स द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर ईच पिक्चर, सो आपको इस पिक्चर को देखते हुए इस पिक्चर के बारे में 3 वर्ड्स बताए गए हैं, 3 एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, सो सही एडजेक्टिव के ऊपर आपको बॉक्स बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है, बुक्स, बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, सो इन बुक्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं, THIN, थिन, क्या ये किताबें आपको पतली लग रही हैं? नो, एक एक बुक बहुत मोटी मोटी थिक है, सो थिन तो नहीं आएगा। TALL, टॉल, क्या बुक्स बहुत लंबी है, नो, ऐसा भी कुछ नहीं दिखता, नॉर्मल है, छोटी बुक्स है, सो ये भी नहीं आएगा। MANY, मैनी, सो बहुत सारी किताबें हैं, सो मैनी बुक्स, सो मैनी इज द राइट वर्ड, इन बुक्स के बारे में हम कौन सा सही वर्ड चुन सकते हैं, मैनी, सो मैनी के ऊपर हमें एक बॉक्स बनाना है, सो मैनी इज द राइट आंसर, मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबें, ओके। नाउ फायर, FIRE, फायर, आग, आप देख सकते हैं ये चित्र में आग है,
सो COLD कोल्ड, क्या कुछ ठंडा इससे रिलेटेड है? नो, ये भी नहीं आएगा. HOT हॉट, गर्म. यस, आग बहुत गर्म होती है. SMOOTH स्मूथ, स्मूथ मतलब एकदम साफ सुथरा. ऐसा कुछ नहीं है आग के बारे में हम स्मूथ या रफ नहीं बोल सकते, मगर आग बहुत हॉट होता है, गर्म होता है. सो दिस इज द राइट वर्ड. सो मेक अ बॉक्स अराउंड दिस वर्ड हॉट फायर. ओके, नाउ स्केल. आपको इस पिक्चर में रूलर दिखाया गया है, RULER रूलर. सो अब ये रूलर कैसा है? SHORT शॉर्ट. क्या बहुत छोटा है? देख सकते हैं आप इसमें, यहाँ पे 9 तक कितने सारे नंबर्स दिखाए गए, 20 तक की स्केल है ये, 20 सेंटीमीटर्स. सो गुड और लॉन्ग, सो लंबा स्केल है. अगर 10 सेंटीमीटर होता, 8 सेंटीमीटर होता, इतनी छोटी होती तो हम इसको हम शॉर्ट कहते, मगर ये तो बहुत लंबी है, 20 सेंटीमीटर्स बताया गया है. सो इट इज लॉन्ग. सो लॉन्ग के ऊपर हम बॉक्स बना देंगे. सो लॉन्ग रूलर. नेक्स्ट यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ फ्लावर. सो फ्रेश, ओल्ड, न्यू. सही वर्ड कौन सा आएगा फूलों के लिए? फ्रेश. ओल्ड एंड न्यू नहीं हो सकता. सो फ्रेश इज द राइट वर्ड. यू कैन सी अ क्लाउन हियर. सो क्लाउन के बारे में क्या बताया गया है? गुड, फनी, एंग्री. क्लाउन कैसा है? अच्छा है, फनी है, बहुत मजाकिया है, या एंग्री है, गुस्सा है. सो क्लाउन हमेशा फनी होते हैं. जिस तरह से वो तैयार होते हैं, हमें उनको देखकर जोक जैसा लगता है, बहुत स्माइल आ जाती है, हंसी आ जाती है, इसलिए दे आर कॉल्ड फनी. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब यहाँ पे स्टूडेंट, एक बच्चा बैठा है. अब वह कैसा है? बैड है, NICE नाइस है, या लेजी है? आपको क्या लगता है इस चित्र के अंदर ये बच्चा कैसा है? सो आई थिंक ही इज लेजी, आलसी है, क्योंकि वह कुछ काम ही नहीं कर रहा, ना ही तो पढ़ रहा है, ना ही तो खेल रहा है, वो चुपचाप बैठा है. सो ही इज लेजी. लेजी का मतलब आलसी. ओके, नेक्स्ट यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ केक हियर. सो केक कैसा हो सकता है? TASTY, टेस्टी, बहुत खाने में मजेदार. ओल्ड, पुराना, या काइंड. सो काइंड मतलब दयालु, ये दो तो हो ही नहीं सकते. सो केक कैसा है? टेस्टी है. सो टेस्टी के ऊपर आप बॉक्स बनाएंगे. ओके, नेक्स्ट टर्टल. इस पिक्चर में आपको कौन सा एनिमल दिख रहा है? टर्टल. सो टर्टल कैसे चलती है? FAST फास्ट, बहुत तेज चलती है. स्लो, धीमी गति में, या क्विक. सो टर्टल बहुत स्लो चलती है. स्लो के ऊपर आपको बॉक्स बनाना है. दिस इज द राइट एडजेक्टिव. इस चित्र के बारे में जो एनिमल है, इसके बारे में हम सही जानकारी क्या मिलती है? कि ये एनिमल स्लो चलती है. सो दिस इज द एडजेक्टिव हियर. नाउ रेनबो, कलरफुल, हॉट और फास्ट. सो रेनबो इज ऑलवेज कलरफुल, बड़ा ही रंग बिरंगी होता है रेनबो. सो मेनी कलर्स आर देयर इन इट. ओके चिल्ड्रेन, लाइक दिस यू हैव टू कम्प्लीट द एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया? इन सारे चित्रों को के बारे में हमने सही एडजेक्टिव को चुना है. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 6D. सो प्लीज रिवाइज एक्सरसाइज A, एक्सरसाइज B डू इन द होमवर्क, एंड रिवाइज एक्सरसाइज C ऑल्सो. आपके घर में, आपके आसपास कई सारे टॉयज और आपकी चीजें होती हैं, आप भी उनके बारे में कोई ना कोई एडजेक्टिव बनाइए और अपनी मम्मा या दीदी को बताइए. ओके, आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट. होप यू हैव अंडरस्टूड. Take care. Bye-bye.